Assalamu alaikum, as my name is Chima. I welcome back with another video of capital smart city. This video is about the most important topic ever regarding the smart city, the possession. किन किन लोगों को पोजेसन मिलेगा अगले दस दिनों में उनको लेटर्स जाएंगे और लेटर्स के साथ जो नए चार्जेस उनको ओवरऑल पे करने के जो बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं जैसे आपके डेवलपमेंट चार्जेस जैसे आपके कैटेगरी चार्जेस कॉर्नर पार्क फेस मेन रोड वो चार्जेस नंबर थ्री आपकी एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस यानी अगर आपका प्लाट कॉर्नर है और कॉर्नर के साथ दो मरला ढाई मरला एक्स्ट्रा लैंड है तो उस लैंड के चार्जेस नंबर फोर उसके यूटिलिटी चार्जेस के यानी कि आपने जो घर में बिजली गैस और उसके मीटर्स वगैरह लगते हैं उनके चार्जेस क्या होंगे वन टाइम होंगे कितने होंगे वो वेरी करेंगे प्लॉट टू प्लॉट प्लॉट के साइज़ पे वो वेरी करेंगे और बाकी के इनिशियली कितने ब्लॉक्स में पोजेशन हैंड ओवर किया जा रहा है और पोजेशन के जो ये मैंने आपको इनिशियली पॉइंट्स बताए हैं इन पॉइंट्स के बाद अभी जो चार्जेस uh, का जो ओवरऑल टाइम पे करने का होगा वो कितना होगा और सबसे एंड पे पाँचवा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के फाइन कि लट से किसी की इंस्टॉलमेंट अब पोजेशन के बाद इससे पहले स्मार्ट सिटी में किसी को एस को फ़ाइन नहीं हुआ अब पोजेशन के बाद जिन जिन प्लॉट्स की जिन जिन प्लॉट्स का पोजेसन हो जाएगा यानी कब्ज़ा रेडी होगा और वो लोग उस पर घर नहीं बना रहे और उसके इंस्टॉलमेंट्स भी लेट हैं तो उस पर उनको जो फ़ाइन होगा वो कितना होगा यानी कि इंस्टॉलमेंट लेट इंस्टॉलमेंट चार्जेस कितने होंगे और वो कब पे करने होंगे तो सबसे पहले बात करें जी जो पहला टॉपिक है वो ये है कि जी कितने ब्लॉक्स में पोजेसन दिया जा रहा है ओवरऑल कैपिटल स्मार्ट सिटी में चार ब्लॉक्स में पोजेशन दिया जा रहा है निचली और उन पोजेशन के लेटर अगले दस दिनों में लोगों को पहुंच जाएंगे पोजेशन के लिए सबसे जो पहला टॉपिक आता है वो ये आता है कि जी पोजेशन के बाद जो आपके डेवलपमेंट चार्जेस ऐड होंगे वो कितने होंगे सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो एक प्लस माइनस पर मरला के हिसाब से रेजिडेंशियल प्लॉट के काउंट होंगे एक लाख पच्चीस हज़ार रुपये प्लस माइनस मैंने इसलिए कहा कि अभी नंबर कंफर्म नहीं है नंबर जब आपको लेटर्स आएंगे तो उसमें नंबर आपको एग्जैक्ट नंबर बता दिया जाएगा कि आपके प्लॉट का ये एग्जैक्ट नंबर है डेवलपमेंट uh, चार्जेस के हवाले से अगर बात करेंगे कि इनको कितने टाइम में क्लियर करना होगा तो डेवलपमेंट चार्जेस जो होंगे वो बेसिकली आपको एक साल के टाइम फ्रेम में यानी चार क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में यानी कि किसी इंडिविजुअल के दो साल के प्लॉट की इंस्टॉलमेंट पूरी हुई है और एक साल की रहती है और उसका पोजेशन आ गया है और उस पोजेशन एक साल की इंस्टॉलमेंट प्लस उसके डेवलपमेंट चार्जेस इंस्टॉलमेंट में नया प्लान बन के आ जाएगा जिसके मुताबिक वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर करेंगे और वो अगर इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं करते तो उस पर फाइन होगा वो मैं आखिरी पॉइंट में बताऊँगा आखिरी जो टॉपिक है उसको बताऊँगा कि फाइन कितना होगा तो डेवलपमेंट चार्जेस हो गए रेजिडेंशियल प्लाट के फॉर एग्जाम्पल दस मरला प्लॉट काउंट करें तो डेवलपमेंट चार्जेस बनते हैं बारह लाख पचास हज़ार रुपये प्लस माइनस ओवरऑल प्लॉट के चार्जेस ये आपको पोजेशन के बाद आपने चार क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होगा सेकंड टॉपिक है कि इस प्लॉट के कैटेगरी चार्जेस यानी कॉर्नर पार्क फेस मेन रोड या मेन बुलेवर्ड सौ फुट से ऊपर हो या फ्रंट बैक ओपन ये पांच कैटेगरीज हैं इन पांच कैटेगरी चार्जेस होंगे वो कितने होंगे और वो कितने टाइम फ्रेम में अदा करने होंगे अगर हम बात करें कैटेगरी चार्जेस uh, की तो कॉर्नर पार्क फेस मेन रोड लेकिन मेन रोड सौ फुट से नीचे हो ये तीन कैटेगरीज प्लस फ्रंट बैक ओपन इनके टेन परसेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ प्लॉट फॉर एग्जांपल प्लॉट है इक्यावन uh, इनिशियल जो प्राइजेज थी कनाल की फॉर एक्जाम्पल फोर्टी नाइन लाख सिक्सटी फोर्टी नाइन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ तो उसके टेन परसेंट के हिसाब से आपको चार्ज होंगे दस मरला की प्राइजे थी थर्टी थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ तो इसका थ्री लाख थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ आपको इसके कॉर्नर के या इस तरह जो कैटेगरी चार्जेस हैं वो पे करने होंगे और जो मेन रोड फेसिंग प्लाट्स हैं जिनकी मेन रोड जिनका फ्रंट मेन रोड पे है और वो मेन रोड सौ फुट से ऊपर का है तो उसके फिफ्टी परसेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ प्लॉट वो आपको कैटेगरी चार्जेस पे करने होंगे प्लाट के कोई प्लाट डबल डबल कैटेगरी है यानी कॉर्नर प्लस मेन रोड तो उसको डबल कैटेगरी के टेन टेन ट्वेंटी परसेंट एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होंगे वो भी एक साल की क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में पोजेसन का लेटर मिलने के बाद वो उस पर घर बनाते हैं या नहीं बनाते उसके बाद उन पे वो लागू हो जाएंगे चार्जेस वो उसके बाद उसको सेल करते हैं बनाते हैं दैट इज़ अप टू हिज कंसर्न लेकिन इनिशियली उस पर जितने सोसाइटी की तरफ से चार्जेस होंगे वो आ जाएंगे और उन्हें एक साल के चार क्वार्टर इंस्टॉलमेंट्स में क्लियर करने होंगे नेक्स्ट इस एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस और एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस उन प्लॉट्स के साथ है जैसे कॉर्नर प्लॉट हैं, दस मरला या कनाल के तो उन प्लॉट्स के साथ ये होगा जैसे फॉर एग्जांपल दस मरला का प्लॉट है तो उसके साथ लेट से एक्स्ट्रा लैंड है तीन मरला तो उसको बारह मरला विद एक्स्ट्रा लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया uh, है से कोई प्लॉट है कॉर्नर का दस मरला का लेकिन उसका एक्स्ट्रा लैंड है डेढ़ मरला तो उसको दस मरला ही मेंटेन किया गया है लेकिन उससे एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस लिए जाएंगे एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस कुछ क्यों होंगे फॉर एजाम्पल जो भी प्लॉट की प्राइस है प्रिंसिपल प्राइस है प्लॉट की फॉर एक्जाम्पल इनिशियल बुकिंग थी थर्टी थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड की या थर्टी सिक्स लैख्स रुपीज़ की तो इन दोनों बुकिंग में से जो भी प्राइस है प्लॉट की फॉर एक्जाम्पल थर्टी सिक्स है तो उसका आपको कॉर्नर लट से एक मरला एक्स्ट्रा लैंड है डेढ़ मरला एक्स्ट्रा लैंड है तो तीन लाख साठ हज़ार रुपये या उसके साथ ऐड कर लें एक लाख अस्सी हज़ार मजीद वो आपको एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस क्लियर करने होंगे सेम गोज़ फॉर कनाल कनाल का प्लॉट है लेट से इनिशियल बुकिंग है फोर्टी नाइन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ और जो सेकंड बुकिंग थी वो फिफ्टी फोर लाख रुपीज़ की तो इन दोनों बुकिंग में से कोई भी बुकिंग है आपकी कनाल के प्लाट की और आपके कनाल के प्लाट के साथ एस्ट्रा लैंड है कॉर्नर प्लाटर के एक्स्ट्रा लैंड है तो उस एक्स्ट्रा लैंड के भी आपको चार्जेस पे करने होंगे वो भी उसी तरह सेम डेवलपमेंट चार्जेस की तरह और कैटेगरी चार्जेस की तरह आपको चार क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में यानी एक साल के टाइम फ्रेम में वो आपको क्लियर करने होंगे ये होगी ओवरऑल एक्स्ट्रा लैंड की बात अब आती है फोर्थ कैटेगरी किसमें यूटिलिटी चार्जेस यूटिलिटी चार्जेस जब घर बनाते हैं और इनिशली आप घर बनाते वक्त आपको कुछ वन टाइम चार्जेस पे करने पड़ते हैं जिसमें आप इनिशियल घर में जो जैसे डिमारकेशन होती है प्लॉट की उसके बाद जो इनिशियल आपकी मीटर लगते हैं और बाकी जो छोटे मोटे काम होते हैं उनके लिए आपके यूटिलिटी चार्जेस होते हैं वो वन टाइम होते हैं सिर्फ एक दफ़ा अदा करने होते हैं वो भी घर बनाते वक्त और उसमें जो चार्जेस होते हैं वो प्लॉट टू प्लॉट वेरी करते हैं फॉर एग्जाम्पल छोटा प्लॉट है तो उस उसमें पच्चीस से तीस हज़ार होंगे दस मरल का प्लॉट है उस पर चालीस हज़ार हो जाएंगे कनाल का प्लॉट पचास हज़ार हो जाएंगे वो वन टाइम चार्जेस होंगे जो पे करने होंगे और सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वह फाइन इससे पहले स्मार्ट सिटी में आ, किसी भी प्लाट का आज तक किसी इंडिविजुअल कोई फाइन नहीं पे करना पड़ा ना सोसाइटी ने कुछ को फाइन किया है लेकिन पोजेशन आने के बाद यानी जब प्लॉट का रेडी कब्जा रेडी हो जाएगा उसके बाद तमाम इंडिविजुअल्स को जिन्होंने प्लॉट के जिनके पोजेसन का लेटर मिल गया है और उस पर घर नहीं बना रहे उनकी अपनी मर्जी है लेकिन लट से वो घर नहीं बना रहे उनकी इंस्टॉलमेंट्स भी जमा नहीं हो रही तो हर इंस्टॉलमेंट्स का उनको फाइन होगा फ़ाइन फाँग कितना होगा फ़ाइन होगा पॉइंट टू फाइव परसेंट ऑफ एवरी इंस्टॉलमेंट लट से इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बनती है पाँच लाख या लट से मैं शॉर्ट वैल्यू कर लेता हूँ लट से वैल्यू है दो लाख रुपये तो दो लाख रुपये वैल्यू पर आपको जो प्रिंसिपल उसका फाइन होगा वो पॉइंट टू फाइव परसेंट होगा तो दो लाख का वन परसेंट बनता है आपका दो हजार रुपए और दो हजार का पॉइंट टू फाइव परसेंट बनता है आपका पांच सौ रुपए तो आपको पांच सौ रुपए हर एक दिन का यानी डेली चार्जेस ये पर डे के हिसाब से होंगे आपके चार्जे फॉर एग्जाम्पल आपके इंस्टॉलमेंट सात दिन लेट है तो आपको फाइव हंड्रेड पर डे के हिसाब से पैंतीस सौ रुपया फाइन देना पड़ेगा अपने उस प्लॉट की ड्यू इंस्टॉलमेंट का जो आपकी पेंडिंग इंस्टॉलमेंट होगी ये ओवरऑल इंस्टॉलमेंट की मैं बात कर रहा हूँ जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स की वो है डेवलपमेंट चार्जेस लागू होने के बाद जब उसका टाइम फ्रेम आएगा तो उसकी मैं आपको बाद में बता दूंगा उन पराइन फाइन फाइन या ओवरऑल स्टेटस क्या होगा मेरा मोस्ट प्रॉब्बली यही फ़ाइन वाला सिस्टम होगा लेकिन इंस्टॉलमेंट पर जो फाइन है वो पॉइंट ऑफ इंस्टॉलमेंट जो ड्यू इंस्टॉलमेंट है उसका पॉइंट आपको फाइन पे करना पड़ेगा ये थे पॉइंट्स ओवरऑल जो पांच पॉइंट्स हैं पोजेशन के हवाले से और पोजेशन के लेटर्स जिन प्लॉट्स में जिन ब्लॉक्स में पोजेसन रेडी होगा चार ब्लॉक्स इनिशली जी ने कोट किए हैं कि एम कैपिटल स्मार्ट सिटी ने उन्हें चार ब्लॉक्स बताया मुझे एक्जैट ब्लॉक्स के नाम नहीं बताए ना प्लाट के साइजेज़ बताए हैं यह क्या कि आने वाले दो तीन दिनों में उसका प्रॉपर पोजेशन लेटर रेडी हो जाएंगे तो उसका फॉर्मेट वो मुझे दे देंगे सॉफ्ट कॉपी में तो मैं आपको दिखा दूंगा इस वीडियो में कि उसके रिक्वायरमेंट्स पोजेशन की क्या होंगी एक्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स ये चंद पॉइंट्स उन्होंने जो कल बोले थे मीटिंग में तो मैंने वो पॉइंट नोट किए थे अब आते हैं जी लास्ट पॉइंट पे जो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने कमेंट्स किए थे मैं इस वीडियो में सिर्फ जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया था ये न्यू ब्लॉग को उसका आंसर करूंगा क्योंकि क्रिटिसिजम में जमूरत का हुसन है तो स्टार्ट करते हैं कि जी जो कमेंट्स है लास्ट वीडियो में वो क्या थे वेरी फस्ट क्वेंट फ्रॉम द लास्ट वीडियो इज फ्राम काजी रियली नीड अ रीवैम ओवरसीज आर फोकस बट एवरीथिंग ऑन द नेम ओवरसीज कांट बी सोल्ड आउट इट साउंड लाइक आई फोन एंड असली वाला आई फोन दे डोंट रियलाइज देट ऑन अदर हैंड दे आर गिविंग अ जस्ट टू मार्केट डोंट पुट इन सी एस प्रोडक्ट्स rather hold for premium thing to be honest this overseas thing which they are abusing for marketing will eventually fade and lose its charm actually second the comment of uzama he said uh, initially two districts are sold out uh, like overseas district 1 with the 13 blocks and overseas district 2 not balloted yet and now they introduce a new district name as uh, overseas prime actually Uzama, this is not a uh, new district this is only a new block with only 2200 plot plus minus and uh, this on in this block locals can also buy so they sh shouldn't be named that overseas prime it could be golf course prime or anything like that but uh, society has somehow uh, managed to crack this name so i totally second your comment on this and uh, overseas 1 and overseas 2 they won't lose its charm because in overseas 1 in less than 10 days uh, they will be possession and overseas 2 already development has started i haven't made many videos about over overseas 2 so people have confusion that overseas 1 is only getting developed actually there is is not a proper access till overseas 2 sooner than later inshallah i uh, will make a videos overseas 2 so you will get a proper you know uh, detailed video about the overseas 2 that how much development is going on over there in overseas 1 it is already uh, the time of possession i came so let us see what happens next Next comment is from Noir. He said, uh, Hi, I saw Malik Aslam video 2018 on CSC YouTube channel in which he promised to hand over possession of at least couple of blocks in one year. I can send you the link if required. After almost two years, there is no possession. Do you really think that CSC will do that by the end of 2020 or early 2021? Are they in this position? Please reply in your next video actually uh, no i made a complete video about your reply so actually i didn't <laughs> read that comment earlier i made the video and afterwards i read the comment and uh, this whole video is the answer to your question that either smart rate is going to hand over possession by the end of 2020 or early 2021 so Initially, four blocks has been shortlisted for the possession. They will get that possession letter in less than ten days. In next comment is also about uh, block D. is not working fast on their villas. If we compare Trevilles with CSC villas, CSC is doing development on a faster pace. Please give your input in the next video. Actually, CSC is being developed by HRL and Trevilles is being developed by a separate company. So, if you count the pace, uh, definitely CSC is faster because they have in-house inventory, in-house inventory of uh, machinery, labor, architect, engineer, and everyone. So privilege is uh, not shortage of pace. It's a small block, and uh, I don't think so they are uh, going slow. I made last video block G site 19. If you watch that video in the ending part, after I think five minutes or plus, I added some footages from the block D as well. So block D is going on the rapid pace. I don't think so it's uh, going on a slow pace. Uh, actually, two model villas are already ready in block D, and uh, I think 12 or 13 villas uh, construction is going on over there. नेक्स्ट कमेंट इज़ फॉर मोहिज मोहसिन आई वुड हाईली रिकमेंड नॉट टू बाई इन दिस ब्लॉग इट इज ओवर प्राइज इट विल टेक टाइम पीपल हु थिंक दे विल गेट गुड रिटर्न ऑन शॉर्ट टर्म यू कॉन्ट जनरल ब्लॉक की फाइल्स माइनस में है डोंट परचेज इट एक्चुअली मैंने आज की वीडियो में जितने कमेंट्स शामिल किए वो सारी वो थे जो क्रिटिसिजम uh, बेस थे मैंने जो तारीफी कमेंट्स थे वो शामिल नहीं किए लास्ट वीडियो से तो इन्होंने मोहित भाई ने कहा कि अगर जो लोग बाय करना चाहते हैं न्यू ब्लॉक में तो हाईली नॉट रिकमेंडेड है बतौर इनके क्योंकि अभी तक जनरल ब्लॉक की फाइल माइनस में है Uh, ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि जनरल ब्लॉक की फाइल माइनस में लेकिन कौन सी फाइल जनरल ब्लॉक की वो वाली फाइल माइनस में है जिन लोगों ने 2017 हज़ार सत्रह या अठारह में फाइल बुक कराई और अभी तक 10 परसेंट या 20 परसेंट पर रखी हुई है तो उन लोगों ने जब पे नहीं किया 50 परसेंट करके नंबर नहीं लगवाया प्लाट को बैलेट नहीं करवाया तो उनकी फाइल माइनस में होगी Uh, कोई बड़ी बात नहीं है जो फाइल जिनका नंबर लगाया पचास परसेंट पे हुआ है तो उन लोगों ने अभी दो दिन पहले मैंने एक फाइल बेची थी इसका साढ़े तीन लाख प्रॉफिट था एक्जेक्टिव ब्लॉक बी की फाइल थी तो एक्जैक्टिव ब्लॉक बी साढ़े तीन लाख की फ़ाइल बिक सकती है तो वो भी तो इसी तरह आपके साथ ही बाई हुई थी जिन लोगों ने माइनस में फाइल तब खरीदी थी और अभी तक रखी हुई है वैसे फ़ाइल यानी कि आपने पुरानी फाइल जनरल की खरीद के वैसे ही रखी हुई है आपने कुछ पे नहीं किया नंबर नहीं लगवाया तो डेफिनेटली उसके माइनस में होने की लॉजिकल रीज़न बनती है Next comment is from Zahid Mahsood, He said, "Another scam of capital tree through state agents. Now all of these agents will start promoting. It is like a unique opportunity. If somebody miss it, he will die the next day. After getting the commission, they will start making irrelevant videos again. And the management of the society will go and leave and play with the money of the people. Please to make them realize that their fault. Stop buying in this block. Actually, I don't know about whom people you are talking about about the irrelevant videos on this channel. I only make the videos about the relevant things and products. At you know." If I don't, I don't like to make videos promoting irrelevant stuff. Even I don't promote myself. I sitting on the, you know, uh, in front of camera and speaking for a long time and making a video. I don't like that. I always make videos specially related to the content. And as far as the scam is concerned, you are calling it a scam. There are only 2,200 products. Definitely, they will sell faster as compared to the rest of the block. And are you talking about the money? And uh, capital smart city officials will take your money and they will fly away and the state agents will get the commission and fly away. This is not possible because the, this video is all about possession. And uh, in four blocks, people are getting possession in every quarter. New people are getting possession. So I don't know which place your comments land in. नेक्स्ट कमेंट इस वसीम सेड ओवरसीज़ टू की डेवलपमेंट का पता नहीं और अब पेशे ख़िदमत है ओवरसीज़ प्राइम लास्ट ईयर दिसंबर 19 जनवरी 20 में न्यूज़ चली थी कि प्राइस रिवाइज होने वाली हैं फॉर एग्जांपल 41 लाख चालीस हज़ार टेन मरला रिवाइज हो जाएगी अब साल बीत गया अभी तक कोई रिविजन नहीं हुई इट्स ऑल अबाउट न्यू लॉन्चिंग एंड बुकिंग पहले सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन 10 साल 15 साल और 20 साल बताकर डिसाइड कर रहे हैं वल्ल आलम एक्चुअली वसीम भाई आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूं एक्चुअली यहां पे किसी को कोई प्लॉट का पोजेशन टाइम से पहले मिलना इस्लामाबाद में पहले रवायत नहीं है अब जिन लोगों को पोजेसन मिल रहा है चार ब्लॉक्स में तो उनमें से कितने लोग हैं कोई एक बंदा भी आकर यहाँ कमेंट कर दे कि जिसको पोजेसन मिल रहा है जिसको अभी ये ओवरसीज uh, के चार ब्लॉक्स में कि एक बंदा भी ऐसा हो जिसकी इंस्टॉलमेंट का टाइम पूरा हो गया हो तो सबको बफ़ोर टाइम मिल रहा है अब इस फोर टाइम में एक और आठ से नौ माह प्राइस ना रिवाइज होने की जो बड़ी वजह थी कि बीच में हमारे मुल्क ने पूरी दुनिया में छः से सात महीने का पेंडेमिक फेस किया है यानी सारी दुनिया स्टिल पर आ गई थी स्टैंड स्टिल पर दुनिया की इकोनॉमीज नेगेटिव में जाने लगी थी हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया माइनस ट्वेंटी थ्री पॉइंट नाइन जी डी पी पे है बरतानिया ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी टू जी डी पी पे है माइनस ट्वेंटी टू यहाँ ज्यादा नेगेटिव जी डी पी होती है तो प्राइजे ना रिवाइज होने की जो बड़ी वजह समझ आती है वो ये थी कि लोगों के पास कमाने की सकत नहीं थी तो रिवाइज करके सोसाइटी अपने आपको बदनाम करने से रही तो अब जो पोजिशन की बारी आती है अब ओवरसीज वन में चार ब्लॉक्स का पोजेशन आ गया है और हर क्वार्टर तीन तीन महीने बाद कुछ ब्लॉक्स का पोजेशन दिया जाता रहेगा तो जब ये टाइम आगे गुजरता रहेगा रेगुलरली पोजेशन मिलता रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो लोग 10 साल 15 साल और बीस साल की बात करें उनके मुंह बंद हो जाएंगे वेल व्यूज दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे अगर आपको स्मार्ट स्मार्टफोन बुकिंग के वाले से कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो के लिए खुदा हाफिज़